बड़ी कमाल की बात है, आप जैसे शख्स को देख के लगता तो नहीं है कि आपको मौसीकी से दिलचस्पी बिल्कुल भी नहीं होगी। वैसे मेरा तो ये ख्याल था कि आप थोड़ा बहुत गुनगुना भी लेते होंगे। नहीं जी, मुझे गाना वाना नहीं आता। गाना नहीं आता लेकिन सुनना तो आता होगा ना। आपको पता है मेरे पास बहुत जबरदस्त कलेक्शन है। वैसे क्या सुनना पसंद करेंगे आप? अख्तरी बेगम, सज्जाद अली, इकबाल बानो, नूर जहां, क्या फिर मेहंदी हसन, या फिर अपनी पसंद का कोई और गाना? जो भी आपको पसंद हो। कि आप और जनाब क्या लगा रखी है आपने? अब तो हम एक दूसरे के दोस्त बन चुके हैं ना, और एक दूसरे को अच्छी तरह जान भी चुके हैं, तो फिर ये आप और जनाब की दीवार कैसी? जैसा आपकी ये गजल सुनती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि फैज साहब ने ये गजल मेरे लिए लिखी है। इसमें वो गुलशन कोई गुलिस्तान नहीं, मैं हूँ। आपको ऐसा नहीं लगता? हाँ, शायद आपके मेरा मतलब है कि तुम्हारे लिए ही कही है। शुक्रिया। पता है आपने ऐसा कह के मेरा दिल जीत लिया। नगमा तो कह रही थी कि आप मुझसे मिलने नहीं आएंगे, पर मुझे मालूम था कि आप जरूर आएंगे। बेटा खाना लगा दिया है, आइए सलीम साहब जी। फिर कब आएंगे आप? जब तुम बुलाओगी। मजा तो उस वक्त है जब आप मेरे बगैर बुलाए इस घर में आ जाए। पर दोस्ती तो दिल से दिल के रिश्ते का नाम होती है। मैं आपके बारे में सोची हूं और आप यहां मौजूद हो। भी इतने बड़े इम्तिहान में न डालो। इम्तिहान तो आपने देना होगा, भला इम्तिहान दिए बगैर आज तक कोई पास हुआ है क्या? कल आपने आना होगा। अच्छा, और कोई हुक्म? भला मैं आपको और क्या हुक्म दे सकती हूँ?
मैं तो खुद अपने दिल के हाथों मजबूर हूँ, इसलिए आपको बार बार बुलाती हूँ ताकि आपको देख सकूं। और कुछ नहीं। कहाँ था तू? काम था मुझे। मैंने कहा था ना तुझसे जल्दी आना कि नूजा को डॉक्टर के पास लेके जाना है। अपना काम याद रहता है, मेरा काम याद नहीं था कि तेरी बहू के नखरे नहीं उठा सकता मैं। हल्का सा मौसमी बुखार हो गया, नजला जुकाम हो गया, डॉक्टर के पास लिए फिरो। कौन सा नजला जुकाम, कौन सा बुखार, क्या बात कर रहा है? अरे पागल, वो हमें सबसे बड़ी खुशी देने वाली है। हाँ, आज तक कोई खुशी दी नहीं उसने। तू बाप बनने वाला है पागल, होश ही नहीं तुझे, कोई खबर ही नहीं है। कौन? बाप? मैं? तू और मैं दादी। अरे इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है तुझे और तुझे कुछ पता ही नहीं है। सलीम ये क्या है, रोज आना दोस्तों के साथ आवारा कर दिया, रातों को देर देर से आना, छोड़ दे ये सब कुछ। आप जरा नूजा का ख्याल कर, उसकी जरूरतों का, उसकी खुशियों का। शुक्र है आप आ गए। अम्मा क्या कह रही हैं? क्या कह रही हैं? यही के और तुमने अम्मा को बता दिया, मुझे नहीं बताया। इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई तुमने, या फिर इस काबिल नहीं समझा? क्या छुपा दिया मैंने आपसे? यही कि मैं बाप बनने वाला हूँ। कल से बताने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन आप हमेशा जल्दी में ही होते थे, बात ही नहीं सुन रहे थे, मौका ही नहीं मिला। अच्छा, वैसे तो कोई बात करने से मैं तुम्हें नहीं रोक सकता, इस बात का तुम्हें मौका नहीं मिला। अच्छा ना, आप गुस्सा छोड़ें, बैठे यहाँ पे, बताएं आप खुश तो हैं ना? हाँ हाँ, लेकिन अम्मा ने मुझे ऐसे ही इतना डांट दिया, उसे लगता है जैसे मुझे कोई एहसास ही नहीं। अरे वो तो माँ है, परेशान तो होंगी ना, आप उनकी बातों को इतना दिल पे ना लिया करें। और हाँ, अपने गुस्से को थोड़ा सा कंट्रोल करना सीखें। अपने बच्चे को भी इसी तरह डांटेंगे क्या? गलत बात करेगा ना तो डांट खाएगा। हम उसकी तरबियत ही ऐसी करेंगे कि वो कोई गलत बात करेगा ही। तुम और अम्मा तो मुझे कुछ कहने ही नहीं दोगे। औलाद को डांटना इतना आसान नहीं होता, मैं जानती हूँ कि आप उसे कभी नहीं डांटेंगे। खाना ले आऊं? नहीं, मैं दोस्त के साथ खा कर आया हूँ। अच्छा सलीम, अब से आप प्लीज जल्दी आया करें ना। कोशिश करूंगा। अरे फिर आप ऐसे ही लेट गए, ना मुंह हाथ धोया, ना कपड़े बदले, ना दांत ब्रश किए, ना नमाज पढ़ी। सुनो ये सारी बातें ना अपने बच्चों को सिखाना तुम। लाइट ऑफ करो, सोने दो। नूर बेटा, यकीन मानो कि तुमने मुझे आज जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी है। अल्लाह तुमको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। तुम्हें पता है बेटा, इस उम्र में वालदैन की सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है कि वो अपनी औलाद की औलाद देखें। बिल्कुल ठीक है आपने भाई साहब, बस मेरी तो अल्लाह पाक से ये दुआ है कि वो मेरी नूर को सात खैरियत के फारिग करे। आमीन। अल्लाह करे, बहुत प्यारी परी है ना अम्मा? मैं उसके साथ खूब खेला करूंगी। तो और क्या, ये लड़कियां तो अल्लाह की रहमत होती हैं। मैं तो कहता हूँ कि भतीजा हो जो बिल्कुल मुझ पर जाए। क्यों भाभी? क्यों आप जैसा? क्यों मतलब कि भतीजा हो तो मेरी प्यारी सी बहन जैसा,
या फिर मेरे जैसा। अच्छा तो ये बात है, अल्लाह करे फिर आप जैसे ही। मानो जी अम्मा। मेहमानों को कुछ चाय वाय नहीं पिलाएगी? जा जाके जल्दी से चाय बना के ला। जी अम्मा। रुको मानो, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, आज की चाय मैं बनाऊंगी। ये चौधरी साहब की तरफ, ये यासीन साहब की तरफ और ये हाजी साहब की तरफ, ये देखे आप भी। जा। आ मेरे शहजादे, क्या हाल है? क्या बात है भाई, बड़ा खुश नजर आ रहा है। खुश नहीं, बहुत खुश। क्या हो गया? तबस्सुम खाला के घर से होके आ रहा है। अबे भाई, उनके घर का माहौल ही ऐसा है, जो भी उनके घर जाता है ना खुशी खुशी वापस आता है। मानो, अम्मा पानी मंगवा रही। आपको कुछ चाहिए? आप जी, मेरा मतलब है कि आप इतना तकल्लुफ क्यों कर रही हैं? मतलब इतनी गर्मी में किचन में खड़ी होकर चाय बना रही हैं। तकल्लुफ कैसा, अपने घर जैसी बात है। घर वाली बात। वैसे ये बात आप महावरतन कह रही हैं या फिर दिल से? समझने वालों को जरूरी है क्या कि हर बात कहने के लिए लफ्जों का इस्तेमाल किया जाए? कुछ बातें निगाहें अपने आप बयान कर देती हैं। दवा भी काम ना आए, दुआ ना लगे, मेरे खुदा किसी को इश्क की हवा न लगे। और नहीं नहीं वो बात नहीं है यार। फिर क्या बात है भाई? ठहर ना, पहले मुंह मीठा कर, मिठाई खा, ये ले। अबे किस खुशी की है मिठाई? तू ताया बनने वाला है, मतलब मैं बाप बनने वाला हूँ। क्या हो गया भाई, मिठाई क्यों नहीं खा रहा? डॉक्टर ने मना किया। क्यों? शुगर हो गई है तेरे यार को। तेरी खुशी के लिए अपना सत्यानाश तो नहीं कर सकता ना, फिर भी तुझे बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक यार, खैर मुबारक। ओ अम्मा तो इतनी खुश है, उसके तो पैर ही नहीं टिक रहे जमीन पर। और हमारी भाभी? जाहिर है उसे भी खुश होना ही है। ध्यान रखना, ऐसे वक्त में बीवियों के ड्रामे शुरू हो जाते हैं, जानबूझकर बीमार होंगी फिर तुझसे खिदमतें कराएंगी, उल्लू बनाती हैं शौहरों को उल्लू। ओए सब समझता हूँ मैं नहीं बनता उल्लू किसी के हाथ। बड़े बड़े तुर्रम खानों को जलील होते हुए देखा है मैंने, औरत चीज ही ऐसी है। किसकी बात कर रहा है? छोड़ दे, किसी की बात नहीं कर रहा। वो तबस्सुम खाला के घर मिठाई ले जाना, खुश हो जाएंगी कि खुशी के मौके पर तूने उनको याद रखा है। हाँ यार, अच्छा याद दिला, चला जाऊंगा। जलाल किधर है, नजर ही नहीं आ रहा। अबे पता नहीं, दो तीन दिनों से मुझे भी नहीं मिला। काम करे, मिठाई ले जाओ उसको। अबे नहीं भाई, उसका बाप बहुत खर दिमाग है भाई, बहुत लंबे लंबे किस्से सुनाता है, बोर कर देता है कसम से। यार मुझे भी काम था वरना मैं ले जाऊं। अबे तू फिकर मत कर भाई, मुझे मिलेगा ना मैं तेरा पैगाम पहुंचा दूंगा उसको, ठीक है? हाँ यार, उसको बोल दुकान पर आ जाए बस। ठीक है, बस तुम खाला के घर मिठाई ले जाना मत भूलिए। ओ फिकर ना कर यार, चला जाऊंगा। ये अदनान बेटा, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। जी कहिए अम्मी। बैठो जरा। क्या
क्या बात है? बेटा तुमने क्या सोचा फिर? अब मुझे क्या सोचना है? अपनी बहन के बारे में, उसके मुस्तकबिल के बारे में सोचना तो सोफिया को खुद है कि वो उन लालची लोगों के साथ, बद इखलाक लोगों के साथ रहना चाहती है या फिर उसे ये रिश्ता खत्म करना होगा। अम्मी देखिए, अम्मी सोफिया नासिर के साथ नहीं रहना चाहती और नासिर के घर वाले तो वैसे ही एक बेहुदा सी शर्तें रख रहे हैं। शाबाश बेटा, तुमने तो बहुत अच्छा मशवरा दिया अपनी बहन का घर उजाड़ने का। इसमें घर उजाड़ने वाली कौन सी बात है अम्मी? वो नहीं है इस काबिल कि उनके साथ रिश्ता रखा जाए। अपनी बीवी के जहन से सोचना बंद करो। अगर एक हमदर्द भाई बनकर सोचोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम क्या कह रहे हो। तो फिर क्या करूं बेटा? मेरा दिल तो कहता है कि सुफिया की सास की बात मान लेनी चाहिए। क्या ये क्या कह रही हैं आप? हाँ तो इसमें हर्जी क्या है बेटा? क्या लोग दो दो शादियां नहीं करते? करते होंगे अम्मी, मैं नहीं करूंगा। बेटा बैठो, बात सुनो। सुफिया का घर बच जाएगा और वैसे भी मेहरू ने हमें दिया ही क्या है, ना औलाद ना जहेज। सुफिया कल से रो रो के हलकान हो गई। देखो इस फैसले से तुम्हारा भी भला होगा और सुफिया का भी। मुझे ऑफिस जाना है, देर हो रही है। अदनान, अदनान, चोरू का होला देखती हूँ कैसे नहीं मानेगा। मेरा नाम भी शाकरा है। कैसी हो नूर? बस ठीक हूँ। क्या मतलब? नहीं वो कुछ तबीयत ठीक नहीं है। तुम सलीम भाई के साथ डॉक्टर के पास जाओ। अब इतनी भी खराब नहीं है आप भी, चली जाऊंगी। यहाँ सब तुम्हारा ख्याल तो रखते हैं ना? बहुत ज्यादा। अम्मी का बस चले ना तो मुझे बिस्तर से उठने भी ना दे, हर वक्त कुछ ना कुछ खिलाती ही रहती हूँ। अल्लाह का लाख शुक्र है नूर कि तुम्हें अच्छा ससुराल मिला। तुम्हारा कदरदान तुम्हारी खूबियों का मुतारिफ। हर एक को ससुराल का सुख नहीं मिलता नूर। क्या बात है आप ही, कुछ हुआ है? नहीं कुछ नहीं। नहीं कुछ तो है आप ही, मुझे तो पता है, मुझसे तो नहीं छुपाए। क्या हुआ है बताए ना। वही सोफिया का मसला और अब तो मसला और भी बढ़ गया। क्या हुआ? पहले तो अम्मी राजी नहीं थी उसे ससुराल वापस भेजने पर उन्होंने एक शर्त आयद कर दी। कैसी शर्त? उसकी सास चाहती है कि उनकी बेटी नाजिया की शादी अदनान से हो जाए, इसी सूरत वो सोफिया को वापस ले जाएंगी। क्या कह रही है आप ही, ऐसा कैसे हो सकता है? यही शर्त है उनकी। बहुत ही गलत और बेतुकी शर्त है उनकी। अदनान भाई क्या कहते हैं इस बारे में? वो तो बिल्कुल भी नहीं मान रहे, मगर आंटी, आंटी को कौन समझाए, वो तो बहुत जोर दे रही हैं। और अब तो वो मेरे यहाँ औलाद ना होने का बहाना भी बना रही हैं। तो आप ही, आप सोफिया से बात करें ना। सोफिया से क्या बात करूं, वो तो सीधे में मुझसे बात भी नहीं करती। आप उसे ये समझाएं कि अपना घर बनाने के लिए आपका घर ना उजाड़े। और रही बात सोफिया की नन की, तो उसके लिए कोई और रिश्ता भी तलाश किया जा सकता है ना। सोफिया से तो मैं बात कर लूं, लेकिन उसकी नन के लिए रिश्ता कहां से ढूंढूंगी? और फिर उसकी दो मंगनियां टूट चुकी हैं, एक निकाह खत्म हो चुका है, कैसे मिलेगा उसके लिए रिश्ता? आप ही, आप फिक्र मत करें, मैं कुछ करती हूँ ना, बस आप प्लीज परेशान मत हो।
मेहरू बाजी, वो अदनान भाई आ गए, आपको बुला रहे हैं। अच्छा, मैं आती हूँ। नूर, अपना बहुत ख्याल रखना। अच्छा आंटी, मैं चलती हूँ। अरे नहीं बेटा, खाना खा के जाना ना, बल्कि मिया को भी अंदर बुला लो, उनसे कहो खाना खा के जाए। अरे नहीं आंटी, वो तो लंच ब्रेक में मुझे लेने के लिए आए, अब भी देर हो रही है, वरना जरूर अंदर आते, मैं आराम से आऊंगी फुर्सत से। हाँ बेटा, तुम्हारा अपना घर है, जब जी चाहे आओ। अल्लाह ताला इस बच्ची को भी औलाद की नेमत से मालामाल करे बहुत जल्द। बस तुम खाला के घर मिठाई ले जाना, खुश हो जाएंगी कि खुशी के मौके पर तूने उनको याद रखा है। सलीम भाव, आप जा रहे हैं? हाँ चाचा, कुछ काम है जरा मुझे। तो फिर मैं दुकान बंद कर दूं? जलाल ने आना था मगर देर हो गई है, अब काम भी है मुझे। ऐसा करो तुम दुकान संभालो जी, जलाल आए तो उसे घर भेज देना। ठीक ठीक। क्या बात है नूर, तभी ठीक है तुम्हारी बेटा? जी जी अम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एक तो इस लड़के ने मुझे बहुत तंग किया हुआ है, कभी जो वक्त पे आ जाओ तुम्हें डॉक्टर के यहाँ ले जाए। मैं चली जाऊंगी अम्मी, आप फिक्र ना करो। मैं फिक्र ना करूँ ना, तो तुम तो अपने मियाँ को खुली छुट्टी दे दोगी बिल्कुल। अरे उसे तुम्हारा ख्याल करना चाहिए बेटा, और तुम भी उसको एहसास दिलाती रहा करो कि तुम उसे कितनी बड़ी खुशी दे रही हो, बहुत जरूरी है। वो तो बिल्कुल पहले ही जैसा लाउबाली, लापरवाह, बेनियाज है। आ जाएंगे तो बात करूंगी मैं। हाँ बस बात ही ना करना, डॉक्टर के यहाँ भी चली जाना उसके साथ, समझ गई? जी। क्या बात है नूर, कोई और परेशानी है? जब मैं तुम्हारी माँ की जगह हूँ, अपनी सारी फिक्रें, सारी परेशानियां तुम उससे कह सकती हो। अम्मी, आप ही की वजह से परेशान हूँ। मेरू निसा, क्यों, क्या हुआ उसे? बहुत बहुत मुबारक हो सलीम मियां, अल्लाह नसीब अच्छा करे आपके बच्चे का। बहुत शुक्रिया खाला जान। अपनी अम्मी और बेगम को भी हमारी तरफ से मुबारकबाद दे दीजिएगा। जी जरूर। खैरियत तो है, किस बात की मुबारकबाद दी जा रही है? अरे सलीम मियां, क्या खुशखबरी है, खैर से अब आप देखें कितनी मासूम और भोली है। अरे नया मेहमान आने वाला है सलीम मियां, क्या आप लोग बैठिए, हम नमाज पढ़ के आते हैं। और बाली से चाय का भी कह देते हैं। चाहिए। ने मुझे मुबारकबाद नहीं दी। किस बात की मुबारकबाद दूं मैं आपको? और वैसे भी बच्चे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, तो फिर आपके बच्चे की मुबारकबाद किस खुशी में दूं, बोलिए। पहली बार सुन रहा हूं जी कि किसी को बच्चे ना पसंद है, और खास तौर पे एक औरत को। देखिए सलीम साहब, मैं ऐसी ही हूं, और अगर आपको मेरी इन सारी बातों से दुख हो रहा है ना, तो जाइए अपनी बीवी के पास जाइए। यहाँ पे क्या कर रहे हैं आप?
मेरा ख्याल है मैं चलता हूँ कि मुझे अब तक समझ में नहीं आया आप नाराज क्यों हैं। अच्छी बात है, जब आप मुझे नहीं समझ पाए तो मेरी नाराजगी क्या खाक समझेंगे? अरे सलीमिया, चाय बन गई है, आप कहाँ चल दिए? नहीं जी, रहने दे, मैं चलता हूँ। खानम बीबी सुनेगी तो नाराज होंगी, वो अभी नमाज पढ़कर आती हैं। आप बैठ तशरीफ रखिए, हम आपके लिए चाय लेकर आते हैं। ये, अरे कमाल है भाई, कैसे खरदमाग लोग हैं, कोई बात ही भला। मेरी निशा कितनी प्यारी बच्ची है, उसकी सास को जरा तो उसका ख्याल करना चाहिए। मम्मी अब हर सास आपकी तरह मोहब्बत करने वाली नहीं होती। अरे बेटा, तुम्हारी जैसी प्यारी बहू हो ना किसी की, तो वो सास तो मुझसे कहीं ज्यादा प्यार और मोहब्बत करेगी तुम्हारे साथ। खैर सोचते हैं। मम्मी आपकी नजर में कोई रिश्ता है सोफिया के नन के लिए? रिश्ता नहीं, सब कोई नजर में तो मेरी नहीं है बेटा इस वक्त, लेकिन ढूंढा जा सकता है। हाँ देखेंगे, वो कोई आया, मैं देख लूँ, तुम बैठो। आ रही हूँ भाई। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम सलाम, पहचानी नहीं मैं। माँ जी मैं जलाल, सलीम का दोस्त हूँ। सलीम घर पर है? नहीं, दुकान पे होता है ना इस वक्त। वो दुकान पर तो नहीं था, अब्दुल चाचा ने बताया कि वो घर गया होगा। आया तो नहीं अब तक। ठीक है अम्मा जी, मैं चलता हूँ। सलीम घर पर आए तो उसे बताइएगा जलाल आया था। बहुत शुक्रिया। भाई आप रुक जाए, वो शायद आते ही हों। आओ ना बेटा, बैठ जाओ थोड़ी देर, आ जाओ अंदर, आओ आ जाओ आ जाओ अंदर आओ, चलो बेटा चलो अंदर आओ, आओ बेटा आओ आओ जरा सी देर बैठो, शरबत पी के जाना, बैठो ना। देर हो जाएगी आंटी। ज्यादा देर नहीं रोकेंगे हम तुम्हें, वो तुम्हारे बीवी बच्चों को ज्यादा देर इंतजार नहीं कराना ना। ये बच्चे आंटी, मेरी अभी शादी नहीं हुई। हाँ शादी नहीं हुई, क्यों? कोई शादी करवाने वाला है ही नहीं घर पे। अम्मा का बरसों पहले इंतकाल हो गया था। शुक्रिया। ना कोई बहन है ना कोई भाई है, बस सारा वक्त बीमार रहते हैं। उनके पास ना वक्त है ना हिम्मत है मेरे लिए कोई रिश्ता तलाश कर सके। सलीम ने तो कभी बताया ही नहीं, अगर मैं कुछ करती ना तुम्हारे लिए। सच्ची माँ जी? और क्या, लो भाई सलीम मेरा बेटा है ना, हैं? तुम उसके दोस्त हो तो बस मेरे बेटे जैसे हुए ना। बिल्कुल माँ जी बिल्कुल। अच्छा माँ जी मैं चलता हूँ। अरे नहीं नहीं जलाल भाई, खाना खा के जाए ना। हाँ भाभी फिर कभी सही, देर हो रही है। बिरयानी खा के जाना, इसने बनाई अपने हाथों से, बहुत मजे की बनाती है। तो वैसे इतने दिनों से कह रही थी कि आप लोगों को दावत पे आना चाहिए, इसी बहाने आपकी दावत हो जाएगी। अगर माँ जी और भाभी कहेंगी तो भाई को तो फिर खाना ही पड़ेगा ना, थोड़ा सा चख लूंगा जी मैं भी। अम्मी मैं खाना लगाती हूँ। हाँ खाना लगाओ। अच्छा बेटा तो बताओ क्या काम करते हो,
तनख्वाह कितनी है, हैं? अरे सलीमिया, चाय पीजिए, ठंडी हो रही है। ये गुलशन कहाँ चली गई? अंदर चली गई जी, वो कुछ गुस्से में थी बहुत। देखें आप, महसूस मत कीजिएगा, हमारी गुलशन बहुत हसास है। हसास? हमारी खुशी का तो उन्होंने एहसास तक नहीं किया। कह रही थी मुझे बच्चे पसंद नहीं। वो गुस्से में कुछ ज्यादा बोल गई है। हमारी गुलशन को कभी भी खुशियां रास नहीं आई। जब छोटी सी थी ना, तो उसके बाप का साया उसके सर से उठ गया था। फिर मंगेतर का कार एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया। हमारी गुलशन जिसको भी चाहती है वो उससे दूर हो जाता है। सलीम साहब डर सी गई है, वहम खाया जा रहा है उसे। हाँ तो अब किसे चाहने लगी है गुलशन बीबी? रहने दे सलीम मिया, ला हासिल के पीछे भागने का फायदा क्या? यही बात हम उसे समझाते हैं। आप चाय पीजिए, ठंडी हो जाएगी। जी खाला जान, आप गुलशन की शादी कर दें, खुद ही संभल जाएगी। ये तो नामुमकिन है। आप भी क्या इस खुशी के मौके पे हमारी दुख भरी दास्तान सुनने बैठ गए? अब तो सचमुच ठंडी हो जाएगी आपकी चाय। नूर, नूर जल्दी से आओ, बात करनी है। इधर आओ। जी अम्मी। कैसा लड़का है? अच्छा है ना? हाँ अच्छा है। देखा तुमने, अल्लाह ने हमें घर बैठे सोफिया की नंद के लिए रिश्ता भेज दिया। अम्मी लेकिन पता नहीं सलीम को बुरा लग गया तो? क्यों, सलीम को क्यों बुरा लग गया? हम उसके दोस्त की शादी कराएंगे तो उसको तो खुशी होना चाहिए ना, हमारी वजह से उसकी शादी हुई। और पता है तुम्हें, मैंने तो सारी मालूमात भी कर ली है उससे। सरकारी मुलाजिम है, घर अपना है, घर में और कोई नहीं, सिर्फ एक बूढ़ा बाप है। तो तनख्वाह तो ज्यादा नहीं है, लेकिन बस गुजर बसर हो जाती है। मेरे ख्याल से तो सोफिया के लिए इससे अच्छा रिश्ता हो ही नहीं सकता, बल्कि सोफिया की नंद के लिए। मम्मी आपने अपनी तरफ से रिश्ता पक्का कर दिया। हाँ भाई मैंने तो पक्का कर दिया। मम्मी लेकिन रिश्ता लेके कौन जाएगा? मैं और कौन, वो जो है ना खाला जी, जिन्होंने हमें तुम्हारे बारे में बताया था, उनको साथ ले लूंगी और चली जाऊंगी। लेकिन बेटा तुम पहले जरा मेहरुन्निसा से बात कर लेना और उसे अच्छी तरह से जो उनका पता है वो समझ लेना। ठीक है मम्मी, ठीक है। मुझे सलीम। सलीम क्या, इधर आओ, हर वक्त सलीम सलीम करती रहती हूँ। गुलशन, गुलशन चला गया वो बनिया? हाँ चला गया। तुमने क्या ऑलफॉल बक दिया था उसके सामने, नाराज लग रहा था मुझे। मेरी भला से नाराज हो या खुश, भाड़ में जाए। क्यों बेवकूफी की बातें कर रही हो, हालात की नजाकत को समझो गुलशन। क्या समझूं, एक तो वो मुझे वैसे ही पसंद नहीं है, ऊपर से शादीशुदा और तो और बाप बनने वाला है। फिर मुझे क्या जरूरत पड़ी कि मैं उसके साथ अपना वक्त बर्बाद करूं? क्यों ना समझी वाली बातें कर रही हो, मेरी सोबत में भी रह के तुमने कुछ नहीं सीखा। अरे इससे अच्छा टाइम कोई नहीं हो सकता सामने वाले शख्स को बर्बाद करने का। ये वक्त नहीं आएगा तुम्हारे पास कभी भी। देख नहीं रही थी आप कितना खुश लग रहा था वो। अरे ये वक्त ही खुशी थी, तुम उसको दायमी खुशी दे सकती हो, और ऐसे वक्त में जब बीवी उल्टी कर रही हो, कोफ्त का बायस होती है, और जो बीवी दिल के करीब भी ना हो, तुम जैसी हसीन लड़की उसके दिल पे कब्जा कर सकती है और साथ साथ तिजोरी पे भी। अम्मी जान बस कर दीजिए, मुझसे ये सब कुछ नहीं हो पाएगा। तो फाके करवाओगी,
सलीम से ज्यादा मालदार इस इलाके में कोई नहीं है। अम्मी जान मैं नहीं कर सकती। बस चुप चुप, मैंने जैसे कहा वैसे ही करना, समझी तुम? आ गए आप? आ गया हूं तो ही नजर आ रहा हूं ना। खाना खाएंगे? क्या बनाया? बिरयानी। ले आओ। बच्चे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, तो फिर आपके बच्चे की मुबारकबाद किस खुशी में दूं? और अगर आपको मेरी इन सारी बातों से दुख हो रहा है ना, तो जाइए अपनी बीवी के पास जाइए। यहाँ पे क्या कर रहे हैं आप? जब आप मुझे नहीं समझ पाए तो मेरी नाराजगी क्या खाक समझेंगे?